हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेलीकॉम, आपका अपना चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मैंने अगर वेबसाइट पर अभी तक विज़िट नहीं किए हैं तो smarttelecom1blogspot.com पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये एक zip फाइल होती है ओडिन की, जो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। राइट क्लिक कर एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे येलो कलर का एक फोल्डर आपको मिलेगा, यहाँ पर इसे ओपन करना है आपको। तो वो ओपन होने देते हैं। ओपन करने के बाद फिर से एक बार राइट क्लिक कर ओपन कर दें। यहाँ देखिए दोस्तों, तीन फाइलें मिलती हैं। जो सबसे पहली वाली फाइल है वो एप्लीकेशन वाली फाइल है, ओडिन वाली फाइल है, उसे राइट क्लिक कर दें या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर दें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ओडिन टूल, जो सैमसंग का टूल होता है, जिसमें सारे सैमसंग के एंड्रॉयड वाले मोबाइल सारे फ्लैश हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम अपने मोबाइल को USB से कनेक्ट करते हैं तो ये IDCOM के अंदर आपको बताएगा कि मोबाइल कनेक्ट हुआ या नहीं। और यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर BL की जगह दोस्तों BL AP CP CSE जो है, यहाँ पर हमें चार फाइलें लेनी होती हैं, जो हम tar.tar फाइल होती है सैमसंग की, जो हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी मोबाइल की। अगर आपको फाइल डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लें मेरे, या फिर मेरे वेबसाइट पर देख लें किस तरह से फ़ाइल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम BL को क्लिक कर BL वाली फ़ाइल ले सकते हैं। AP में, CP और CSE में जो भी फाइल हमको लेना है दोस्तों, उसी के अंदर BL वाली BL में डालना है, AP वाली फ़ाइल AP में डालना है, CP और CSE वाली फ़ाइल CP और CSE में अपलोड करना है। तो दोस्तों, ये सैमसंग का ओडिन टूल है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इस टूल से ही मदद से हम सारे सैमसंग के एंड्रॉयड वाले मोबाइल को हम फ्लैश कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन को नीचे दिया हुआ रेड बटन सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है smarttelecom1 के नाम से, आप यहाँ विज़िट करिए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिलेटेड कंपोनेंट टेस्टिंग और सारे FRP टूल्स, मिराकल टूल और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करिए इंटर होने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी, जैसे सैमसंग के ड्राइवर्स को किस तरह से डाउनलोड करना है, सोनी के ड्राइवर्स हो या फिर IMEI नंबर क्या है, और बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों स्टॉक रोम फर्मवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हुई हैं, सारी एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों, तो आप इससे यहाँ से बहुत ही फ़ायदा इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर LG टूल वेबसाइट, जिसमें सारी फ्लैश फाइल मिल जाती हैं, RB सॉफ्ट जो FRP रिमूवर है, J2 का कैमरे जो एक्सर फेल हो रहे हैं दोस्तों उसकी फाइल है, J2 मोबाइल सैमसंग का। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं आपको। हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर लें और ऐड हो जाएं दोस्तों, ज्वाइन कर लें हमारे फेसबुक पेज को यहाँ से क्लिक करके, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। इसी तरह से हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।